नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेदी और इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां आपको बता दें आतंकियों का सीरियल अटैक हुआ था जिसमें 2 घंटे में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। जी हां, एक बिंद्रू मेडिकेट के मालिक की मौत हुई है जिन्होंने दम तोड़ दिया अस्पताल ले जाते वक्त। आपको बता दें श्रीनगर में आतंकियों ने इकबाल उर्फ पार्क के पास माखनलाल बिंद्रू जी हां पर गोलियां चलाई थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। हालांकि जिस तरह से साजिश रची जा रही है, तालिबानी हुकूमत आने के बाद से अब छोटे छोटे हमले किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, शहरी लोगों पर ये हमले हो रहे हैं। जी हां, एक बिंद्रू मेडिकेट पर ये हमला हुआ, उसके बाद एक पानीपुरी बेचने वाले व्यक्ति पर हमला, 3 लोगों पर यह हमला हुआ। जी हां, तीनों की मौत इसमें हुई है। तो जिस तरह से आतंकी कनेक्शन धीरे धीरे लोगों को मजबूर कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, हालांकि बड़ी वारदात पर नजर रहती है, लेकिन इस वक्त इन छोटी वारदातों से लोगों में दहशत, लोगों में खौफ फैलाने की जो बात सामने आ रही है, उस कहीं ना कहीं एक बार फिर ये समझ में आता है कि बड़ा कनेक्शन लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों में दहशत फैला रहा है। जिस तरीके से भारतीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से स्ट्रांग नजर आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब ये बात समझ में आ रही है कि बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे, इसलिए छोटी छोटी वारदातों से लोगों में खौफ फैलाने की, खौफ पैदा करने की कोशिश जरूर यहां की जा रही है। जी हां, आपको बता दें श्रीनगर में आतंकियों ने ये नापाक हरकत की, पानीपुरी वाले की गोली मारकर हत्या कर दी, उसकी भी इसमें मौत हो गई और इसके अलावा एक और व्यक्ति की इसमें मौत हुई है। तो 3 लोगों की इसमें जान गई है। तो लगातार जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट नहीं वो कर पा रहे, लेकिन शहरी लोगों में कहीं ना कहीं खौफ पैदा करने की जो एक कोशिश है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से तालिबानी हुकूमत ईरान में आई है, उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि बड़ी वारदात को यहाँ अंजाम नहीं दिया जा रहा, लेकिन कश्मीर पे लगातार उनकी नजर बनी हुई है, लगातार वो कश्मीर की तरफ नजरें बनाए हुए हैं और नापाक हरकतें करने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, जिससे ये समझ में जरूर आता है कि वो बड़ी साजिश को यहाँ कामयाब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी हरकतें करके, नापाक हरकतें करके शहरियों को वहां से दौड़ाने पर जरूर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बिंद्रू की बात करें तो वो इतने सक्षम थे कि वो लगातार वहां बने रहे, वो किसी खौफ से नहीं घबराए और अपनी जान जरूर उन्होंने गंवा दी लेकिन सर नहीं झुकाया। जी हां, लगातार इस तरह की वारदातें वहां अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर पर लगातार नापाक हरकतें पाकिस्तान की भी रहती हैं और अब तालिबानियों की भी हैं, और इस तरफ नजरें लगातार वो गड़ाए हुए हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कश्मीर पे कब्जा पा लिया जाए, लेकिन इन नापाक हरकतों में कभी वो पाक नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये हरकतें वहां की जा रही हैं, उससे फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहां 3 लोगों की हत्या कर दी गई, ये बड़ी साजिश सामने जरूर आई है। तो जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, और कश्मीर में जिस तरीके से उन लोगों ने ये ब्लास्ट किया या लोगों को मारने की कोशिश वहां की है, उससे खौफ जरूर पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कभी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।